बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैसे एक किसान फसल उगाने के लिए कृषि के औजारों का उपयोग करता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, उचित समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, कीटों और खरपतवारों से सुरक्षा पाना और बच्चों फसल की कटाई तथा उसे सही प्रकार से भंडारित करना। इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए किसान पारंपरिक तरीकों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक तरीके और औजार भी उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से किसान का काम आसान हो गया है। बच्चों, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। हल लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट आदि की सहायता से खींचा जाता है। आइए देखते हैं ये हल दिखता कैसा है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, लेकिन इस औजार के उपयोग से जुताई करने के लिए किसान और बैल दोनों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए आजकल मुख्यतः जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इस प्रकार श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। चलिए अब देखते हैं कि परंपरागत रूप से किसान कैसे औजारों का प्रयोग करता है। बुआई के लिए परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में उपयोग आने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से बीजों की बुआई होती है। लेकिन आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। आधुनिक सीड ड्रिल एक अद्भुत यंत्र है। इसके सामने का हिस्सा एक हल की तरह होता है जो मिट्टी को काटता हुआ निश्चित गहराई वाली हल रेखाएं खींचता है। इसमें एक सीड हॉपर होता है जो बीज को रेखाओं में डालता है। सीड ड्रिल के पीछे स्थित हैरो सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों तथा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। आओ बच्चों, अब देखते हैं कि सिंचाई कैसे की जाती है। बच्चों, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं कुएं, तालाब, नदी, झील, जलकूप इत्यादि। बच्चों, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अधिकांशतः मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये तरीके सस्ते तो हैं परंतु कम दक्ष हैं। कुछ पारंपरिक तरीके इस प्रकार हैं: मोट, जिसका अर्थ है घिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट यानी उत्तोलक तंत्र का उपयोग करना। लेकिन बच्चों, सिंचाई की पारंपरिक विधियां कम दक्ष हैं, इसलिए आजकल हम आधुनिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी सहायता करते हैं और हमें जल का उचित उपयोग बताते हैं। उनमें से एक विधि है छिड़काव तंत्र का उपयोग करना। इस तंत्र का अधिकतर उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों यानी नलों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है
तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। एक और आधुनिक विधि है बच्चों, जिसे हम ड्रिप यंत्र कहते हैं। इस यंत्र द्वारा संकीर्ण पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधे को पानी दिया जाता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके प्रत्येक पौधे की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप यंत्र कहते हैं। इस विधि से सिंचाई करना बहुत महंगा तो है, लेकिन ये बहुत जल बचाता है और सभी पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है। बच्चों, खरपतवार किस यंत्र से निकालते हैं? ट्राउल, जिसे व्यापक तौर पर खुरपी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है बुआई के लिए, खरपतवार निकालने के लिए तथा फसल को काटने के लिए। एक और औजार है कुदाली। ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसे पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अंततः, कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है कटाई के लिए? व्यापक तौर पर लोग एक सरल औजार दराती यानी सिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल फसलों की कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना होता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। ये कार्य कॉम्बाइन नामक मशीन द्वारा किया जाता है, जो कि वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। चलिए अब इसे दोहरा लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि विभिन्न औजारों और मशीनों का उपयोग किया जाता है फसल उगाने के लिए, जिनके द्वारा किसान का काम आसानी से और दक्षता से हो जाता है। व्यापक तौर पर प्रयोग होने वाले औजार हैं जुताई के लिए, लकड़ी या लोहे का हल और ट्रैक्टर कल्टीवेटर, बुआई के लिए पारंपरिक तरीके कीप जैसे यंत्र, सीड ड्रिल, कुदाली। सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीके हैं मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। निराई के लिए कुदाली और खुरपी, और कटाई के लिए दराती यानी सिकल और कॉम्बाइन हार्वेस्टर। तो ये था बच्चों, फसल उगाने के लिए कृषि के औजारों का प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।